बोलते हैं राइटिंग ऑन द वॉल दीवार पे लिखा हुआ कुछ जो हमें नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान के وزیراعظم इमरान खान साहब जो हैं वो अमूमन उनके बारे में मशहूर ये है सुनने में आया है कि वो अमूमन वो वो करते हैं जो उनका दिल करता है वो अपनी आ, जो ना तो ज्यादा फॉरेन ऑफिस की लिखी हुई बातों की कोई इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ना वो समझते हैं कि ये कुछ जरूरी है वो समझते हैं मैं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूँ, मुझे वो करना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ मेजोरिटी उनके बारे में सुनने में आए अभी रिसेंटली उन्होंने एक ट्वीट की और उन्होंने कहा जनाब कि पाकिस्तान की मैंने जनाब तमाम अथॉरिटीज को ये कह दिया है कि जितने भी हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ जो है शुक्र है उन्होंने ये लफ्ज नहीं लिख दिया मुस्लिम कंट्रीज ओनली क्योंकि पाकिस्तान ने एक तो तरीका ये भी मारा है ना कि हम समझते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज जिनके साथ हमारे ताल्लुक अच्छे हैं वही दुनिया में वही रहते हैं बसते हैं बाकी है ही कोई नहीं है वो मुल्क दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते वजी एजम साहब ने कहा जनाब के जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं वहां पे उनसे रिक्वेस्ट की है और ये कहा है आ, कि वो एक तो बाइलेट्रल रिलेशन कोऑपरेशन को, को एक्सप्लोर करें कहाँ कहाँ हो सकता है और दूसरा जो अफगानिस्तान के अंदर क्राइसिस है ह्यूमैनिटेरियन उसके लिए काम किया जाए और जो उन्होंने कहा उन्होंने कहा जी क्वालिफाइड और ट्रेंड मैन पावर जो है खास करके मेडिकल और आईटी और फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में ये अफगानिस्तान में भेजी जाए और कहा कि जनाब मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जनाब ये किया जाए अफगानिस्तान की मदद की जाए ये वो आगे पीछे अब सुन ले तालिबान ने क्या जवाब दिया तालिबान जो वो एक है ना अमारते इस्लामी अफगानिस्तान के वो नायब वजी इतलात हैं और है, जबीला मुजाहिद उन्होंने कहा जी हमें कोई जरूरत नहीं है बिर उन्होंने ये जो वजीर इमरान खान ने कहा है ना कि जो मैन पावर है उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए हमारे पास बड़ी मैन पावर है अच्छा मजे की बात यह है कि मेरी इतला ये है मैंने कहीं से सुना था आई मे be रॉन्ग ऑन दिस कि शायद पाकिस्तान इज ऑलरेडी हेल्पिंग इन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सेक्टर्स आई विल नॉट नेम दो लेकिन वो ऑलरेडी काम हेल्प कर रहा है क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है क्या कर रहा है उन्होंने तो मेरा ख्याल है आठ लाख डॉलर एक सेंट्रल एशियन मुल्क में भेज किए थे उनके बैंक ने गलती से फिर बाद में तरले में कर रहे कहते हमें वापस करो एनी हाउ अब हम कह रहे हैं कि जी हम आपको मैन पावर भेजना चाहेंगे आप आप काम नहीं कर सके उन्होंने कहा जनाब नहीं हमें तो चाहिए नहीं है ये राइटिंग ऑन द वॉल है कि तालिबान जो है ये आपको हर जगह पे आपके मुकाबले में खड़े होंगे तालिबान को एज ए मुस्लिम फ्रेंडली ब्रदरली खाते में ना देखा जाए इनको देखा जाए एज ए प्योर कॉम्पिटेटर इनको देखा जाए फ्रॉम द लेंस ऑफ अफगानिस्तान एंड फ्रॉम द लेंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान के लेंस से देखा जाए अगर खुदारा पाकिस्तान ने इनको इस्लामिक ब्रदरली नेबरली इन खातों में देखना शुरू कर दिया तो ये आपके हाथ में नहीं आएंगे और उन्होंने उन्होंने स्नब कर दिया प्राइम मिनिस्टर देखिए दो चीजें होती हैं ये क्यों स्नब किया उन्होंने वो कहते हैं जी हमारे पास काफी मैन पावर मौजूद है हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं ठीक है जी हमें कोई जरूरत नहीं है हमारे पास तलीम याफ्ता नौजवानों की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है ये बेसिकली दो चीजें हैं जिनको ये ऊपर ये खेल रहे हैं एक तो जो तालिबान है वो ये गेम कर रहे हैं कि वो कोई इस तरह की फेवर किसी मुल्क से नहीं लेना चाहते ना इन टर्म्स ऑफ इनहेंस्ड मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी के हवाले से जिससे सुर इन इनको दिया जाए कि जी अफगानिस्तान का जो दफा है वो कोई और मुल्क कर रहा है जिससे इंटरनली इन, अवाम के अंदर गुस्सा पाया जा आएगा और दाइश को स्पेस मिलेगी कि दाइश को ये जो दाइश बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर ये स्पेस जनरेट करना चाहती है ये बताना चाहती है कि जो अफगान तालिबान है ये बेसिकली बरूनी अमदाद के साथ जिंदा है और ये असल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इनमें अशर अफगनी में कोई फर्क नहीं है सिर्फ दाइश ही है तो दुनिया से कट ऑफ होके मुसलमानों के आइडियाज का ख्याल करेगी ये दाइश है जो ख्याल करेगी दिस इज वॉट और तालिबान उस एंगल से बचना चाहते हैं कि कहीं दाइश जो है इन बेसिस के ऊपर चीजों को लोगों को रिक्रूट ना करें दूसरा जो अफगान तालिबान है बेसिकली वो जो लार्जर पश्तून एलिमेंट है उसके साथ खेलते हैं और वो जो पश्तून एलिमेंट है वो इस तरह है कि ये ना हो कि जो पिछली हुकूमतों थी पिछले 20 साल कम अज कम या उससे पहले भी चला जाए अफगानिस्तान में एक जनरल इंप्रेशन पाकिस्तान के बारे में ये है कि जी यहां पे इन्होंने तालिबान बनाए तालिबान को सपोर्ट किया इतनी बड़ी जो खाना जंगी हुई उसमें पाकिस्तान का हाथ रहा है ये उन्होंने एक इंटरनल स्टोरी अफगानिस्तान के अंदर और जितने भी हालात हैं इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो मुलवस है इन्वॉल्व है सो एंड सो ये वो इंटरनल के हम क्या कहते हैं हम तो स्टेबिलिटी का फैक्टर प्ले कर रहे हैं पिछले 20 साल में अफगानिस्तान के साथ बट दिस इज एनीसली डिफरेंसेस हैं हमारे उनके साथ और जो पश्तून एलिमेंट्स हैं वहां पे या बाकी जो ताजिक ताज हजारा हैं उनको ये बताया गया है कि हम जो है वो पाकिस्तान के नीचे लगने वाले नहीं है सो so ये बेसिकली इंटरनली प्ले करते हैं अपने एथनिक ग्रुप्स के साथ कि जी हमें पाकिस्तान को देख लो हमने रिजेक्ट कर दिया हमने नो no कर दिया हम नहीं पाकिस्तान की बात जो है वो मानते हैं आपको मेरी बात समझ आ रही है अच्छा इसके साथ साथ, आप वो साथ को पूछते नहीं मेहनत है, में है इंटरनली उनकी जान पहचान नहीं है वो क्या करते हैं वो इमरान खान की ट्वीट का रिस्पॉन्ड कर देते हैं किस तरह वो कहते हैं जी उन्होंने अफगानिस्तान में तजर्बाकार और पेशावराना अमला मौजूद है हजारों तलीम याफ्ता मर्द और खात मौजूद है हमें किसी किस्म की बाहर तरबियत हासिल करने की जरूरत नहीं है और हम शुक्रिया अदा करते हैं और और काजी के वो तालिबान से कहते हैं कि नौजवानों को मुलाजमतें दें है, सोच सौ और अपने बच्चों को सपोर्ट करें अच्छा बिल्कुल ठीक है पाकिस्तान को अब हमारे के सानू शौक चढ़े हैं सानू एक जिन में कहना नहीं चाहिए खोरो खुरो कोडर ये एवं के चौधरी बनने की कोशिश करते हैं वहां पर जाकर भाई वो उनको देखो तो सही वो करके आप इंटरनली अंदर खाते हैं, आप इनकी मदद भी कर रहे हैं और वो मीडिया पे आके आपके खिलाफ बातें भी कर रहे हैं और आपको स्नब कर रहे हैं रिजेक्ट कर रहे हैं आपकी बातें और ये हामिद का रजाई जो है ये तो आपको पता है ये ये तो इधर कोयटा में बैठे होते थे यहां से उठ तो मोटरसाइकिल पे जाके अफगानिस्तान में प्रेसिडेंट बन गए लेकिन द पॉइंट इज अभी देखे ना उनके पास मौका है दे आर प्लेइंग विद द पब्लिक लार्जर पब्लिक सेंटीमेंट्स के साथ खेल रहे हैं वजीर अजम इमरान खान अगर एक हमें फेवर करें ना तो वो कम से कम बोला करें क्योंकि ना तो वो अपनी सरकार को सुनते हैं और इस तरह की बातें आप उनको ये तालिबान कैन नॉट ट्रस्ट ऑन तालिबान दे आर नॉट ट्रस्ट वी पीपल एट ऑल ये इन चीजों का पता होना चाहिए मोर लिथल इससे भी ज्यादा लिथल होंगे और भले वो पाक अफगान बॉर्डर पे जो हो रहा है हमने अंदर खाते जाकर उनको मना लेंगे कुछ किया मेरा ख्याल है, है। आजकल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी अफगानिस्तान में रहा है। पहुंचे उन्होंने अठारह उन्नीस को शायद जाना था सो द क्वेश्चन थायर कि हमने इनसे इनसे बातें सुननी है हमारे वजीर आजम देखे पाकिस्तान इज और इस प्रपोजल इज रिजेक्टेड ही इज नॉट जस्ट इमरान खान इज अ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वी फील इट हमें फील होता है कि भाई ये क्यों एक चीज तो बड़ी क्लियर है ना Prime में कोई जायद बकरान नवाज शरीफ जरदारी कोई भी बैठा हो दे रिप्रेजेंट टी टू हंड्रेडी मिलियन पाकिस्तानी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सो so वो जो बोलना होता है वो अपने दिमाग से ना बोला करें वो हुकूमत के दिमाग से बोला करें स्टेट के दिमाग से बोला करें बिकॉज द स्टेट इज इंपॉर्टेंट फॉर एस नॉट दीज इंडिविजुअल ये आ, अभी ये जो तो तालिबान है ये आ, वैसे तरले करते हैं मिन्नते करते हैं जनाब के बॉर्डर खोल दो हमारे लोग मर रहे हैं हमें हॉस्पिटल के लिए हमने इनके लिए पैसे भेजे हैं कैबिनेट ने हमारी अप्रूवल दी है इनके लिए हमने ओ के इजलास बुलाए हैं ठीक है और जब इनका दिल करता है इमरान खान साहब को जो है वो कोई ना कोई इस तरह की बात कर देते हैं हम हम कल्चर की बा, बात करते हैं इमरान खान साहब ने ओ की कॉन्फ्रेंस में तालिबान की तर्जमानी शुरू कर दी कल्चर की उनका कल्चर इस तरह आपको क्या जरूरत है उनके कल्चर की बात है बाद में उन्होंने आपको फिर स्नब कर दिया उन्होंने कहा जी हम तो ऐसे नहीं है ये तो देखो क्या कर रहा है वो हर रोज आपको स्नब कर रहे होते हैं तो, तो इसका हल क्या होता है आपका लेवल है देखें एटलीस्ट अगर आप बात कर रहे हैं तो मुला हसन खुन से बात करें भाई उनका जो वजीर अजम से बात करें पता चले जी वो है वो बगैर जनाबों के जनाब ऊंची शलवार टांग के वो कतर में बैठे होते हैं वो पाकिस्तान नहीं आए वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये जो चीजें हैं हमें करने की क्या जरूरत है जब हमें पता है कि तालिबान ने हमारे साथ इसी तरह बिहेव करना है दिस इज वॉट वी और हम जो है वो जिन्होंने साडी वेलने चाह आई और करजाई जो है वो सिर्फ और ये एक बात याद रखिएगा तालिबान हो या करजाई हो ये दोनों पब्लिक सेंटीमेंट्स के साथ कह रहे हैं देर इज नथिंग टू डू देर इज नथिंग टू डू विद एक्चुअल रियलिटी और हम इनके लिए जनाब यहां पे लोगों को भेज रहे हैं अपने यहां से पाकिस्तानी भेजे हुए हैं ताकि उनका बैंकिंग सेक्टर ठीक हो जाए ये ठीक हो जाए वो ठीक हो जाए और दुनिया को तरले कर रहे हैं यहाँ पे हमने टीवी वी टॉक शोज कर रहे हैं हमारा मीडिया का टाइम जया हो रहा है हम तालिबान की नुमाइंदगी कर रहे हैं अभी फॉरेन मिनिस्टर गए हुए थे स्पेन और रोमानिया में वहां पे भी अफगानिस्तान का केस लड़के आ गए हैं अल्लाह के हुक्म से और वो ये वो तालिबान है आप उनका केस लड़ते हैं मेड्रिड में बुक्रेस में और वो काबुल में बैठ के या कतर में बैठ के आपको स्नब कर देते हैं दिस इज वाट दिस इज द डिफरेंस ना, मैं तो जाती तौर समझता हूं कि इंतहाई लो लेवल के साथ इंतहाई लो रैंक के पाकिस्तानी लोगों को तालिबान से इंतहाई लो रैंक जो हमारा अम्बैसडर वहां है वही सारा कुछ होना चाहिए कुछ आजीर अजम बातें कर रहा हो कुजा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बातें कर रहा हो मैं तो आ, मेरी जाति राय है मेरी रॉन्ग जब स्टेट सोचती है तो पता नहीं वो किस एंगल से सोचते हैं उनका अपना एक एंगल है लेकिन हुकूमत जो है उसको ये तो नहीं है कि इमरान खान साहब की वो इंसल्ट कर दें हम जितना मर्जी इमरान खान साहब पे तनकीद करें लेकिन हमें ये फील होता है कि जब कोई बंदा बाहर से बैठ के हमारे वजीर अजम के बारे में बात करे और हमारा वजीम सोचे समझे बगैर जो मर्जी मुंह होता बोल छाटदा दिस इज वॉट वी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ इट राके हाथों जो है बिस्ती बंदा कराता और बातें कराता रहे जिनको घर में नहीं इनकी पहचान है ना को घर में इनकी नहीं मानता आप सारा अफगानिस्तान पे ये गन के जोर पे बैठे हुए हैं बच्चों की तलीम इन्होंने बंद कर दी है लड़कियों के स्कूल बंद कर दिए हैं लड़कियों की ट्रैवलिंग इन्होंने बंद कर दी है ये तो वो जिसे कहते हैं ना बर्बेरियंस है। दे आर लिविंग इन स्टोन एज वाली जिंदगी गुजार रहे हैं आज भी और हम इनकी मेन स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं ठीक है हमारी मजबूरी है हमारा नेबर है, है। बट देट नॉट मीन कि हम रोज इनके हक में ट्वीट बैठ के कर रहे हो और ऊपर से स्नब भी हो रहे हो उनके उनके सी ग्रेड के थर्ड जो है वो मिनिस्टर्स है दिस इज समिंग विच इज वेरी अनोईंग एंड थोड़े दिन पहले उन्होंने हमारे बॉर्डर पे हमारी के रोक दिया था मैं। मेरा ख्याल है ये दिस इज टू मच एंड स्टेट एंड द गवर्नमेंट एंड द इंस्टीट्यूशन मस्ट वर्क ऑन दिस की किस तरह एक लो रैंक का इनके साथ कॉपरेशन होना चाहिए वो जो मोहम्मद सादक साहब है पाकिस्तान के अपॉइंटमैन है फॉर अफगानिस्तान और आई थिंक पाकिस्तान के अंबेसडर के अलावा किसी को भी बात नहीं करनी चाहिए इनका इतना कैलिबरी नहीं है ये खुद भाग भाग के पाकिस्तान के पास आएंगे बट दिस this...